अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में अभी केवल एक ही सवाल बना हुआ होगा कि आखिर 39वीं ई ऑक्शन का क्या हुआ। 39वीं ई ऑक्शन में जो चैनल्स जीते हैं उनके नाम अभी तक हमारे पास सामने पेश क्यों नहीं किए गए? तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जो हमें जानकारी आई है तो उसके मुताबिक बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जब कोई नया चैनल हमारे डीटीएस प्लेटफॉर्म में जुड़ता है। तो बताना चाहता हूं, जो चैनल 39वीं ई ऑक्शन में जीता है उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यानी कुछ कागजी कार्यवाही होती है, इसी के बाद चैनल का ऑफिशियल नाम डिक्लेरेशन में आता है। मान लीजिए आज 39वीं ई ऑक्शन हुई दोपहर 1 बजे के बाद, जब इस प्रक्रिया को शुरू किया गया तो उसमें जो चैनल जीता होगा वो आगे जब फॉर्मेलिटीज को पूरा करेगा तो उसमें 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। तो इसी की वजह से ऑफिशियल लिस्ट जो है वो हमारी कुछ दिनों बाद आएगी, यानी आज आपका 27 मार्च को ई ऑक्शन कंप्लीट हुआ है तो आपका 29, 30 या 31, इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन में आपकी ऑफिशियल लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, यानी इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन की घोषणा कर दी जाएगी कि आखिर कौन से चैनल्स हमारी 39वीं ई ऑक्शन के लिए जीते हैं। बताना चाहता हूं, ये सभी चैनल्स जो हैं वो केवल एमपेक 4 बॉक्सेस के लिए ही जीते हैं, वो आपको एमपेक 2 बॉक्स में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप उन चैनल्स को देखना पसंद करते हैं, यानी मान लीजिए 39वीं ई ऑक्शन में जो चैनल हमारे लिए जीते हैं वो 1 अप्रैल 2019 से डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म में ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एमपेक 2 का बॉक्स है तो उसमें केवल आपको सुनाई देगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। उसे देखने के लिए आपको अपने सेट ऑफ बॉक्स को अपग्रेड करना होगा एमपेक 4 बॉक्स में। जी हाँ, या तो इसे आप डीडी फ्री डिश के ICAS मॉडल सेट ऑफ बॉक्स में बदल सकते हैं। इस बॉक्स के लिए देखिए अभी ऑनलाइन कोई भी ब्रिकी की ऑप्शन नहीं है, इसे आप अपने लोकल मार्केट में परचेज करने के लिए पता कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी कंपनियां हैं जो फ्री टू एयर सेट ऑफ बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि वीजोन है, सॉलिड है, पगारिया है, 888 है, STC है, और भी बहुत सी कंपनियां हैं, तो इनमें से भी किसी भी एक सेट ऑफ बॉक्स का चुनाव कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऑप्शन देना चाहता हूं जो मैं यूज करता हूं, जैसे कि आप सॉलिड का 6141 ले सकते हैं, इसके अलावा सॉलिड का 6363 ले सकते हैं, इसके अलावा आप STC का भी सेट ऑफ बॉक्स ले सकते हैं, वो भी काफी बेहतरीन आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा आप 888 का वी जोन का भी बॉक्स ले सकते हैं। तो इनमें से कुछ एक का आपको मैं ऑप्शन देने जा रहा हूं, यानी लिंक जो देने जा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, इनमें से किसी भी एक लिंक पर जाकर आप परचेस कर सकते हैं, और यदि आप इसमें से परचेस नहीं भी करते हैं तो आप अपने लोकल मार्केट से भी आसानी से परचेस कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां से लेना चाहेंगे। बाकी दोस्तों को बता दिया है कि जो भी चैनल हमारे लिए जुड़ेंगे 1 अप्रैल 2019 से, उसके लिए आपको बॉक्स को बदलना होगा, तभी आप उन चैनल्स का आनंद मान पाएंगे, वरना आपको केवल सुना ही देने वाला है, दिखाई नहीं देने वाला है अगर आपका बॉक्स एमपेक 4 नहीं होगा। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, जो चैनल्स की लिस्ट है वो 29, 30 या 31, इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन में जारी होगी, आज नहीं होगी। दोस्तों अभी हमें जो जानकारी आई थी वो इसी प्रकार से आई थी, यदि हमें और भी कोई जानकारी आती है या आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्कार।